क्योंकि मीडिया चाहता इन्हों को माड़ी जी गलती हो बदनाम करिए देखो खालिस्तानियों का अंदोलन हम दसो ये भाई किसान का किरतियां का मजदूर का इतने किसान का अंदोलन है तो किसान हर स्टेज है जब यह कहोंगे ये अंदोलन सारिया का वा तो बिहार का भी आ जाना यूपी का भी आ जाना एमपी का भी आ जाना जो धब्बा साढ़े पर ला रहे हैं वो अपने आप साढ़े तो बोलो जी ले जाना कि असं साडिया मावं के पुत मरण वास्ते पैदा होए बोलो सिर्फ मरण वास्ते पैदा होए सानू पंप दे दे के अगलिया ने काम करवाए हवा दे के तुम साखी लिए बने जे तुम इदा जे बने सब तो पहले असं अपनी राखी करनी है जो सोचने की लड़ है सानू तो नौजवान भी थोड़े अगे हाथ जोड़ के बेनती है बड़े जाबते रहने की लड़ है देखो जोश विखाया एक कलंक तो अपने मत्थे ते नौजवान लाया जो सिर्फ मीडिया ने वो पेश किया नशेड़ी आसी उस दिन वेख्या एन अगलिया ने बड़े बड़े पत्थर भी परा किए मैं तो यही कहना भी पंजाब तो लैके दिल्ली तक जोश आया तो जोश ने अगे फिर केंद्र ने गल कर ली होश नहीं भेजा भी तुम जाके गल करो जोश से होश दोवे लग गए जोश भी है तो होश भी है ये दोवे चीजा सानू समझन से जरूर जान की जरूरत वा बजुर्ग नाल आया तुम देखो इस अंदोलन च 75% नौजवान आ बजुर्ग आए तुम आए जे ए भी आया जिन्हों की बाह नहीं काम कर दी कि लत है नहीं कहीं अखा तो घट दिखता कहदे लिए आए एक माई को पूछा सी ना पत्रकार ने वो कहती मेरा कोई धी पुत नहीं है तुम सुनी देखी नहीं वीडियो उन्हें कहा मेरा कोई धी पुत नहीं है पत्रकार ने कहा माता तेरे सारे बच्चे हैं हम सोचो आम तो बंदा बच्चा नहीं आता होगा वह तो बच्चा भी कोई नहीं है पर कहती नहीं ये मेरे अपने बच्चे ये पता चिन्ह कह दी है चंगा कलगीधर पातशाह वालों भाई जी चिन्ह दो ना यू लैके दूजे बंद ले जाए यह जी चिन्ह का ना नौजवान भावे क्लीन शेप भी है चुक चुक के बैरियर पढ़ा किए हैं यह जी चिन्ह का ना ये करतारपुर साहब की धरती तो लगी है यह बंदा सिंह बहादुर ने लाई है जरा सिख कौम का पहला बादशाह जिन्हें सू जमीन के मालिक बनाया इतों एक चीज होर सीख के जाए मेरे किसान भराओ कि आप अपने पिंडा में बाबा बंदा सिंह बहादुर याद करो तो। जिन्हें सू जमीन दे बोलो असि भुल गए हाँ किसानों बाबा बंदा सिंह बहादुर बारे नहीं पता अगले चाहते इन्होंने भुलाइए बाबा बंदा सिंह बहादुर कि बाबा बंदा सिंह बहादुर योगा अज बहुत जन बाबा बंदा सिंह बहादुर का ना चंगा नहीं लगता अगले चाहते भुला दिए यह जी चंगा पूरे देश में किसान तो होर भी स्टेटा चै गया यो किसान क्यों उठे क्योंकि यदिया रगों में सतगुर की बाणी की विचार कितना कितने अंदर गुड़ती बाणी की दिखी हुई है कितना कितने जरा अंदर खून है ना जरा उबाले मारता तो आप बड़े जागते च रहना बड़े संजम च रहना जो साढ़े उसे लागो के ट्रैक्टर लंघ देंगे ना वीर ना नंगिया तलवारा लैके ट्रैक्टर से ऐ दुले लाने के ना यह समा नहीं है अगले तो चाहते हैं भी आह दो खबर चक के असी पाइए मीडिया से दसीए भी इतने मारन आए सन तो चंकी खबर नहीं सुनानी तुम पता पिछे जे जो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से रातों रात पानी सड़कता से उन्होंने 10-10 फुट सिर्फ 2% आप कहने पूरी दुनिया के पंजाबियों की गल की जाती है पर तुम देखो सब तो वो उसे अनाज खुराक लैके कौन पहुंचे से पता पंजाबी असं उसे आप श्रीनगर जाके लिखे उतों के जोड़े मुसलमान भरा से उन्होंने जबानी लगत सी कहता असी पानी ना नहीं मरे सानू पंजाबियों ने तवा तवा मार देना यह अपना तवाले शब्द से जानी के उथे गड्डिया समान लैके पहुंच गई भी भाई साढ़े भरावा यह साढ़े अंदर गुणों भाई कोरोना पूरे देश में आया पर एक पंजाब ऐसी स्टेट है जिसे लंगर लाते लगे हैं पिंडा च लंगर कुछ नहीं लाए होने अपने पिंड लंगर लाए हेल्प की भाई भुखा नहीं मारना मैं कल स्टेज पर बोलिया अंबानिया अंबानिया वालों पैदा किए हुए प्रोडक्ट जो बड़िया चीजा वा उन्होंने तो बिना लोगों ने कोरोना च ही सार लिया कोई 6 महीने जुत्ती नहीं लई होगी कोई नवा सूट नहीं सवाया होना किसी ने नवा मोबाइल नहीं लिया होना किसी ने नवी गड्डी नहीं लई होनी पर किसान की पैदा की हुई जी कणक रोटी मक्की सब्जी वो तो बिना एक दिन नहीं सरिया सरिया दस दो जी
रोटी सवेरे खा के खाई है, दोपहर को फिर चाहिए, शाम को फिर चाहिए, रात को खा के समझिए सवेरे फिर चाहिए। तो भावे किन्ना भी को अमीर बंदा वा, जितने असं उदन धरने च जितने पहले दिन सताई को आए थे ना, इतने करनाल ला के पुलिस बैरियर ला के रोक दी, इतों गए गोले सुट दी, उन्होंने अखा चखा पा गल साडे वीर ने कि जो थोड़िया घरवालिया तुम्हें सवेरे तैयार करके भेजदिया, थोड़े टिफिन च रोटी पाउंदियां होणगियां, जो तुम घरों खा के आते जे, और रोटी ऐसे किसान की है जिन्हों के उत्ते अथरू गास के गोले सुट रहे जी। ये जी रोटी है हर एक घर च पकती है, तो इस वक्त थोड़े इस अंदोलन हर एक हम डरती है, आपां बहुत जित दे नेड़े आ, हर एक डरती है, भावें एडवोकेट भरा साडे, भावें कोई पुलिस मुलाजम आ, भावें डॉक्टर वा, हर एक वर्ग अपने नाल खलोता, पर एको ध्यान रखने की जोड़ा जापता आड़े भंगड़े पै रहे आ नहीं चंगा लगता बजुर्ग ईमानदार ने दस ट्रेंकर ला के उची उची ना, नौजवान शांति टका अरदास करो कि असं इतों जित प्राप्त करके जाइए, फिर भी शुकराना मालक दा करिए, दाता तेरे चरणा च अरदास आ, ये जो जित हुई आडे कदमों सिर से हुई है, तुम सू बल बख्शिया, सू जापते रहने की जाच आवे, असं संजम च रहिए, असी जोश भी रहना पर नाल होश, अपनी जिंदगी च होश बहुत जरूरी आ। नौजवान भरावान के अगे खास करके बेनती है बहुत निम्रता नाल, बहुत क्योंकि इतने बच्चिया भी आईया, इतने साड़िया भैन धियां भी आईया, इतने लड़किया की स्टेटमेंट आ, कहें भी जेड़े कहें सिख जालम आ, अं आप वेख्या भी ये तो बहुत वधिया वा, जे ट्राली च रात को कोई धी भैन रात को सुती है तो कहें मैं पूछा जाता भी भैन कोई प्रॉब्लम तो नहीं, इतने हर एक भरा लड़की भैन कह के बुला रहा, इतों इस अंदोलन चो बड़ा कुछ निकल के आना, एक नवे परिवार की सृजना हुई है कि एक भरा भरा के काम आ रहा, पिंडा में अनाउंसमेंटा हुई पंजाब के कई पिंड जिन्हों के परिवार भरा अंदोलन च गए आ, जे उन्होंने कणकों पानी लाने वाला उन्होंने घर पट्ठे लिया वाले आ, तो भाई आप रल मिल के उन्होंने हेल्प करिए कि साढ़े भरा अंदोलन च गए, ये वो प्यार इस अंदोलन ने जगा देना जिहड़ा कभी साढ़े पंजाबी भरावान च हौली हौली मुकता जा रहा, सानू लोड़ है एक दूजे के काम आने की, इतने बड़ा कुछ उभर के आएगा, सानू लोड़ है अपने अंदरों विचकरे खत्म करन दी, पानी भरन दी, जिन्ना भी समा इतने मिलता पढ़ो, कोई सेवा तरस का सेवा करो, देखो लंगर च ना अनाउंसमेंटा हो रही, कोई सब्जी कट जाओ, कोई मटर छिल जाओ, यह मतलब इन्नी संगत होने के बावजूद भी उत्थे घाट है ना, की किया जा रहा जी, बाकी वालों कुछ परसेंट नौजवान सेवा कर रहे हैं, जो घूम रहे उन्होंने बेनती आ लंगर हाथ बटाओ, जरूरी हेल्प करो जिथे भी आ, क्योंकि बड़ा गुड मैसेज आ रहा अपने इस इलाके, आसिया तुम जाके जाके मार्केटा वाले पूछो भी तुम कोई मुश्किल आ रही है, जितने आप इतों मालिक कृपा करें जित प्राप्त करके वापस गए ना, इन्हों का जी नहीं लगना मगरों, इन्हों का सही गल इन्हों का जी नहीं लगना, इन्हों का भला जिन्हों पानी दोतल पीने की मिल रही है, जिन्हों दुध पीने की मिल रहा, जिन्हों फ्रूट खाने की मिल रहा, जिन्हों मेडिसिन मिल रही है, जिन्हों कंबल मिल रहे हैं, ये कितों आया, भावें थोड़े पुत तीर देशों बैठे अगले हेल्प कर रहे हैं भी साढ़े बुजुर्ग बैठे है भाई सड़कों से बैठे है, हम कई यहोजे परिवार में बाहर भी अमेरिका तो कई फोन आए, उन्होंने परिवार का एक भी जी पंजाब नहीं बैठा, पर कहते दसो असं की करिए इतने बैठे, यदार्थ उन्होंने अंदर खून है ना पंजाब का, वह दिल समझे कहते नहीं जे असी बाहर हाँ साडा जे पिछे पिंड पिंडा च बैठे हो तो साढ़े भरा वा ना, साढ़े ताए चाचे आ ना, सारा सब कुछ आओ गुरु कृपा करे अपने मना चो मन मिटा, क्योंकि इस वक्त मैं पहला कहता कि मोदी नू प्राइम मिनिस्टर नहीं, ये अंबानिया अंबानिया का नौकर नौकर कोई नहीं, नौकर आ क्यों, क्योंकि उन्होंने खुश कर ली बात सारे कच्चे ला रहा, अगलिया ने गैस पैपा भी खुलातिया, हर एक एजेंसी माफ करना जेडे लोग किसानी मुद्दा साडा थोड़ा तुहाडे कोल रहना ही कख नहीं, जे अज ना जाके आप साडे कोल बोलो रहे कख नहीं, दुकाना शकाना सब अगलिया खिंच के लै जानी, चलो बड़े बड़े मॉल खोलते लागे तुहाडियां निक्कियां दुकानां नूं समान किहने लैणा, इहदे जागण दी लोड़ आ, सानूं कट्ठे होण दी लोड़ आ, ते तुहाडी इस जागरती चों दूजियां स्टेटां च दूजियां देशां च वी जरूरत पैदा हो रही आ कि पंजाबी आ, देखो हर कंट्री च भावें आस्ट्रेलिया वा भावें कनेडा वा भावें अमेरिका वा, वो मतलब वह अंदोलन कर रहे उत्थे, वो कहते सानू उम्मीद भी नहीं सी, कल कैलीफोर्निया मेरे वीर गल हो रही कहते जो असं प्रोटेस्ट कर लगे 6000 गड्डी कट्ठी होगी ना, मतलब दूर दूर तक आवाज आ रही है, हर एक वीर उसे बैठा सोच रहा भी ये अंदोलन तो आप बिल्कुल शांति बनाई रखनी है,
क्योंकि इतने लड़ने आए जो गाणा लगता जी वे जो दिल्ली वाला गाँव चलता दिल्ली तेन आया पर तेरी धौन से गोडा दे देंगे कि आप धौन से गोडा देना है बोलो बजुर्गो आप गोडा देना है आप हक की गल करना है हक वास्ते आप प्रोटेस्ट शांति वाला ए टका आप लड़न थोड़ा आए कि जे लड़ना आया फिर तो आप लंगर लुंगर पकाने की लड़ नहीं हैगी फिर तो दुध लस्सियां वरता की लड़ है भला आप दस आए कि जेडे सिखा जरैम पेशा कौम कहते जुर्म करने वाले आरमिया से बैठ के भी दूजे प्रशादा छका रहे ये तो अपना हक मंगण आए भी इतने लस्सियां दुध दूजे प्या रहे तो इस अंदोलन चो कि चेहरा साफ होना दूजिया स्टेटा तक नहीं गया कि जिन्हों पंजाबियों बारे असं कभी सुनिया से पंजाबी हो रही ने यह वधिया फिल्मों च की पेश किया गया तुम्हें पता कंगना रनौत जी फिल्मों की एक्टर थोड़े तो कई बजुर्गों को शायद ना पता नौजवानों ने पढ़ी होनी खबर उन्हें एक माई महिंदर कौर की फोटो से माई महिंदर कौर की फोटो इदा वेख के तो कहती जिहड़ियां धरने च बीबियां शामिल हुई वा यह 100-100 रुपये से दिहाड़ी से लिया सोच के देखो उन्हें कह दी 100-100 रुपये दिहाड़ी से लिया बीबियां यह कंगना रनौत ने गल कही हूं उस बीबी ने कहा मेरी अपनी जमीन है मैं तो वाही कर दी उन्हें कहा कंगना रनौत तू ऐ कर तू मेरे दिहाड़ी करना मैं तेन 100 नहीं मैं 500 रुपया दिहाड़ी दिनी है हम कंगना रनौत एक फिल्मा की एक्टर ने गल क्यों कही असल जिदा का बंदा आप उन्होंने शीशे टोदा दे अपना बोलो सारे हम यह फिल्मों दीरो थोड़े जे पैसों बदले एक फिल्म छड़ के दूजी फिल्म वाले बने तुर एक डायरेक्टर छड़ के एक प्रोड्यूसर छड़ के दूजे बने तुर असल च उन्हें अपना किरदार पेश किया बोली चलो अपना किरदार चल गया उन्हें यह नहीं पता भी यह माइया वह माइया वा जिन्हां ने अपने निके निके बच्चों के टुकड़े करवा के भी गलां च हार पवा लिया पर अपना सिदक नहीं गवाया दलजीत दसांझ ने बहुत ठोकवा जवाब दिता रणजीत बावे ने भी जवाब दिता सारे ने चलो सारे ने अपना बनता लून दिता भी तू यह गलत लफ्ज सिखा बारे बोले तो कई हिंदू परिवार लड़कियां ने कंगना रनौत संबोधन करके तू इत गलत वा भी तू सिख परिवार माइया बारे जो लफ्ज बोलिया तेन ये बदले माफी मंगनी चाहिए हूँ यह अर्थ की आ कि सिखा का जो है फिल्मों में अक्ष पेश किया गया जिसे हसना हो तो सिख की फोटो वाला कोई एक्टर बना के पेश किया जाता पर तुहाडे इस अंदोलन तो पता लगा जो फिल्मों च विखाया जा रहा सिख असली वो नहीं सिख असली आ वा जिहड़ा अपना हक मंगण आया भी इतने दुध लस्सी फ्रूट आप भी छकदा तो दूजियां नूं भी दस्सो भला तुहाडे लंगर च कोई प्रशादा छकना होगा तुसीं उन्हें पुछो कि तू कि गोत दा तू कि जात दा आप बहु फड़ के पता कर देंगे आप सिखाते हैं एक गुड मैसेज आ रहा यह एक हमदर्दी लोग कह भी क्या बात है जी कि वधिया बंदे अपना हक लैण वास्ते लाणतां पै रहीआं ने मोदी नूं भावे पता नहीं सच है झूठा जरा ओबामे ने ट्वीट किया उन्हें आख्या मैं मोदी हाथ मिलाया तो मैं शर्म आ रही है भी मैं जिस दिन हाथ मिलाया मेरे वास्ते सब तो मनहूस दिन उस भी मैं ऐसे बंदे हाथ मिलाया जरा इस एक देश का बादशाह होकर तो अपनी प्रजा सड़कों से उड़ा रहा मतलब कहने का भाव की आ कि अक्ष कहो जहाँ सीधी गल भाषा चा भी यह प्राइम मिनिस्टर नहीं आ यह सिर्फ एक नौकर नौकर कह के लोगों सामने पेश करो ताकि शर्म आए कि मैं अपनी प्रजा ना धक्का कर रहा तो मैं एक सिर्फ परिवार का नंबर बन के रह गया मैं तो परिवार की नौकरी कर रहा तो फिर अखीर से मैं एक लफ्ज कहना चाहवागा ये जो तुम तशद्दुद से चल रहे जे 2022 चेता रखना रहूगा कि नहीं कई रहना कई क्योंकि जब आप इतों चले गए लीडर फिर गड्डिया लैके अपने घर च आ जाना नहीं नहीं अभी तो ताल गया सू कान जान दिता बोलो ऐदा होना ना अच्छा एक नाटक होर बड़ा कर दे लीडर कि भला भी मेरी गिरफ्तारी हो गई है तहू नी तहु कहने किया गिरफ्तार सानू तो लीडर अभी छब्बी से आए हैं सानू नहीं किया क्योंकि पता भी ये नाटक करते और गिरफ्तारी वाला नाटक होंगे पता ना तुम सारा वो बोलो भाई कई कई डरते सिर नहीं मारते थोड़ी कह दी फोटो नहीं आ रही है कह दी फोटो ले रही है साड़ी आ रही अभी ना मैं वोटा लड़ी ना मैं तो प्रचारक हाँ मैं फिर भी परवाह नहीं करता क्योंकि सीधी गल कई भी साढ़े दिमाग से गल बैठी होती मैं फिर दोबारा बेनती करना साढ़े समस्या पता की है सानू जागण की लोड़ है दो जे पिंड पिंड जे आप देखो पिंड ट्रालियां भर भर के अज इसे अंदोलन यह आम मुहारा अंदोलन आ ये किसी लीडर करके नहीं होया असं लीडर लैस हाँ साढ़े को लीडर तो है ही नहीं आ गुरु कृपा करें 2022 भी असं इदा जाग जाइए
ਕਾਸ਼ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਲੀਡਰ ਚੁਣ ਕੇ ਚੰਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੁਣੀਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਦਿਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਆ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨਾਟਕ ਲੱਗਦਾ ਹੋਣਾ ਨਾਟਕ ਉਹ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਟਰਾਲੀ ਵੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਰਜੀਆਂ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਟਰੈਕਟਰ ਸਟਾਰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸ਼ਬੀਰ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਟਰੈਕਟਰ ਲਾਉਂਦੇ ਫੇਰ ਵੀ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਸੀ ਹੈਗੇ ਹੁਣ ਰਾਹ ਲੱਭਣ ਡਿਆ ਹੁਣ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਸ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਚ ਰੈਲੀਆਂ ਹੋਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਚ ਕੱਲੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਪਈਆਂ ਰਹਿ ਜਾਣ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਇਹਨਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰਾਤਾਂ ਬਿਤਾਉਣ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਪਿੰਡਾਂ ਚ ਕੋਈ ਜਾਵੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਦਫਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਪਾਣੀ ਕਦੀ ਮਿੱਠਾ ਸੋਜੋ ਭਾਵਦਾ ਸੱਜਣ ਸੋਜੋ ਰਾਸ ਮਿੱਠਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਹੋਏ ਕਿਉਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਫਰੂਟ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਮਿੱਠਾ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਚੰਗਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਪੈਂਦਾ ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਪੁੱਛਦਾ ਚਾਹ ਚ ਮਿੱਠਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ ਅੰਬ ਮਿੱਠਾ ਵਾ ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਪੁੱਛਦਾ ਪਰ ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ ਅੰਬ ਮਿੱਠਾ ਉਹਦੇ ਮਿੱਠਾ ਯਾਰ ਵਰਗਾ ਮਿੱਠਾ ਉਹਨੂੰ ਫਿੱਟ ਪੈ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਫਿੱਟ ਪੈਂਦਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗਾ ਤੇ ਸੱਜਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਸ ਆਵੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਸ ਹੀ ਨਾ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਾ ਆਇਆ ਉਹ ਸੱਜਣ ਖਾਧਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਾ ਸਾਡੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਕਾ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਬਿਤਾਏ ਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲੀਡਰ ਵਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਲੀਡਰ ਅੱਗੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਬੁਲ ਕੇ ਦੱਸੇ ਭਲਾ ਸਾਰਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਣ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਅਗਲੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਸੋਚਦੇ ਅਥਰੂ ਕਹਿਣ ਤੇ ਗੋਲੇ ਸੁੱਟੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਆਮ ਬੰਦੇ ਆਏ ਆ ਲੀਡਰ ਉੱਤੇ ਅਥਰੂ ਕਹਿਣ ਤੇ ਗੋਲੇ ਸੁੱਟਣੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਬੋਲੋ ਪੈ ਰਹੇ ਉਹ ਤੇ ਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੇ ਵਧੀਆ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਅਗਲੇ ਉਹ ਨਾਟਕ ਕਰਦੇ ਦਬਦਾ ਉਹ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਛੇਤੀ ਰੈਸਟ ਕਰ ਲਓ ਅੱਛਾ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਵੀ ਕਰਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵੀ ਏਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਈ ਧਾਰਮਿਕ ਵੀ ਏਦਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਬੋਲੋ ਪੈ ਰਹੇ ਹੋ ਧਾਰਮਿਕ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਦਬਦਾ ਰੈਸਟ ਕਰ ਲਈ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਵੀ ਡਾਂਗਾਂ ਵੱਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦਿਨ ਬਿਤਾਉਣੇ ਆ ਨਾ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਬਿਤਾਉਣੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਇਹ ਚ ਬਿਤਾਉਣੀਆਂ ਵਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਰਾਤ ਲਿਖ ਲਿਓ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਹਿਸਟਰੀ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਕਿ ਵੀਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈਏ ਵੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਬਣੇ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਰਾਤਾਂ ਬਿਤਾਈਆਂ ਵਾ ਇੱਕ ਹਿਸਟਰੀ ਬਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਪੜ੍ਹੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੜ੍ਹ ਇਤਿਹਾਸ ਕੁਛ ਤੇਰਾ ਨਾ ਹੈਗਾ ਕਿਤੇ ਸਿਰਾਲੀ ਦਾ ਆ ਜਾਣਾ ਵੀ ਸਿਰਾਲੀ ਚੋਂ ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਆਈ ਸੀ ਇੰਨੇ ਵੀਰ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਬਿਨਾਂ ਧੜਿਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ ਇਕੱਠੇ ਲਾਮ ਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਆਏਗਾ ਨਾ ਜੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਆਵੇਗਾ ਬੋਲੋ ਜੀ ਜੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਨਾ ਆਏਗਾ ਜੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤੇ ਕੀ ਆਏਗਾ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਪਿੰਡ ਫਲਾਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਲਾਣੀ ਤਹਿਸੀਲ ਉਹ ਭਾਈ ਉਸ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕੀ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਉੱਥੋਂ ਜਵਾਨੋ ਕਾਫਲਾ ਬਣਾਓ ਵਾਰੀਆਂ ਬੰਨ ਲਓ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਵਾਰੀਆਂ ਬੰਨ ਲਓ ਚਾਰ ਦਿਨ ਕੋਈ ਰਹਿ ਜਾਏ ਚਾਰ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਚਲਾ ਜਾਏ ਨਾਸੀ ਧੂੰ ਆ ਜਾਣਾ ਕੰਬੇ ਪੈ ਅੰਦਰੋਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਰ ਵਾਰ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਜਾਣੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ ਖੱਬਾ ਪੈਰ ਜੁੱਤੀ ਦਾ ਮੋਦੀ ਪੁੱਤ ਕੁੱਤੀ ਦਾ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਹੋਏਗੀ ਅਸੀਂ ਦੁਰਾਏ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਨਾਰੇ ਵੇਲੇ ਮਾਰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਖੱਬੇ ਪੈਰ ਜੁੱਤੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਮਾਂ ਕੁੱਤੀ ਉਹ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਨੀ ਲਾਂਤੀ ਆ ਤੂੰ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਕੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਨਾਲ ਚੱਖਣਾ ਪਤਾਈ ਨਾ ਬਣਦਾ ਤੂੰ ਤੇ ਨਾ ਮਿਲਣ ਲੋਕੀ ਬੋਲੋ ਭਾਈ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਾਰੇ ਲੱਗੇ ਕਿਉਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੱਢੀਆਂ ਜੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਲੋਕ ਤੈਨੂੰ ਤਰੀਫ ਕਰਦੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਤੂੰ ਆਓ ਸਾਰੇ ਜਾਗਤੇ ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਲੰਗਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅੱਜ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲੰਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਦਾ ਲੰਗਰ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਲੇ ਪਕੌੜੇ ਪਰੌਂਠੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਭਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਲੰਬਾ ਟਾਈਮ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਹਲਕਾ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ ਪੈਣਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਉਹ ਪੈਸਾ ਬਚਾਓ ਤੇ ਲੰਬਾ ਟਾਈਮ ਦਾਲ ਫੁਲਕਾ ਬਣਾਓ ਇੱਕ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾ ਲਓ ਇੱਕ ਦਾਲ ਬਣਾ ਲਓ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪਿਕਨ ਮਨਾਉਣ ਨਹੀਂ ਆਏ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ
दाल प्रशादा पिंडा वाले भी जो आप लंगर पानी लाना तो कोशिश करो इतने हम जेद फड़ ली है कई बार भी जे फलाने बाबे खीर बनाई तो मैं जलेब बनावा इतने असी को मेला नहीं है ये एक धरना वा तो असी बड़े जापते रह के असी लंबा टाइम चलाना वा तो बड़ा सहयोग संगत वालों मिल रहा तो नौजवान वीरों तुहाडे अगे सारयां दे अगे हाथ जोड़ के बेनती है कोशिश करो इतने बैठ के तुहानू किताबां असी कल फिर असी किताबां मंगा रहे हैं पंजाब तो होर भी तुसी किताबां पढ़ो लिटरेचर पढ़ो जिहड़ा समां साडे कोल हैगा इह नूं इधरों ऐनू तुरपीए इधरों ऐनू तुरपीए विचार गोष्ठियां करो आपस में भी अंदोलन कितों तुरिया ये बिल की ने आपस में गुरु नानक साहब की विचार करिए कुछ इतों असी सीख के जाइए पता लगे भी असल में साडा ये 14 जिन्ने दिन भी आप इतने लगने ने भी साडा ये सिर्फ अंदोलन ना रहे साडा एक सिक्ख्या का सेंटर बन जाए असी इतों कुछ सीख के जाना रोज आप घर सुन ये एक जिंदगी का इतिहास बनता बैड मंजे ते रोज बंदा सौंदा कौली सब्जी पा के बंदा रोज खाता घर च अपने वाशरूम च बंदा रोज नहाँदा ये एक वखरा इतिहास बनना भी पेट्रोल पंपा से भी साडे बापू नहाते हैं खुलिया थावां ते भी साडे बजुर्गों ने स्नान किए हैं नाले ये कुछ साडे वास्ते वखरा नहीं आपां ते शुरू तो मैनूं याद सी जदों असीं करनाल अगे लंघ रहे सी ते एक बस सारी कल्लियां बीबियां सी उह जदों अथरू पैण ते गोड़े सुटदे सी ते उह अखां च धुआं पैंदा सी ते उह सानूं अगे उह दसदे सी वी तुसीं कपड़ा गिला करके अखां ते रख लो वी तां कि अखां दा नुकसान ना होवे तो एक माई नूं हस के कह के बैठा मैं माता जी चुन्नी गिल्ली कर लो अगे भी अखां ते रख लो भी धुआं बहुत है तो माई हस के क्यों आंदी आंदी जिन्ना के धुआं पाथियां दे तो वध हुंदा भद्दे शब्द साडियां मावां बारे बोलदी है तो खैर उन्हूं काफी लोकां ने संबोधन करके उन्हूं दसदा वा समझाता वा भी लफ्ज बोलन लग्गिया तूं अगे वारी सोचना वा भी साडे बजुर्ग जिहड़े आ भावें उह पिंडा देखो तो एक दिल्ली की एक लड़की से एक बुजुर्ग ने पूछ रही थी कि तुम कि ठंडिया थावान से रात में रेंदे जी और रोल नहीं बंद हो रहा यह फीलिंग एक दर्द वांगर जिहड़ा महसूस करता जिहदे अंदर माड़ी मोट दर्द वा साडे कोल हुण जिहड़ा असीं मेडिसिन का कैंप लाया साडे कोल डॉक्टर भैणां वा वो दिल्ली तो आउंदियां वा वो सवेरे आउंदियां 10 बजे शामी 5 बजे जांदियां वो सोचदियां भी असीं भावें शहर दियां जम्मियां पड़ियां पर असीं इह सोचदियां भी इहनां बजुर्गां दी बदौलत साडे घर रोटी पकदी आ इहनां बजुर्गां दी बदौलत साडे घर दुध लस्सी घिओ आउंदा साडा फर्ज बणदा इहनां दी सेवा करनी साडा फर्ज बणदा इहनां भरावां दी सेवा करनी तो माण महसूस कर रही आ एक हिंदू परिवार की लड़की साडे कोल डॉक्टर वा उत्थे मेडिसिन देण आउंदी आ ते 4-5 दिन बाद ना सानूं हस के कहिंदा भी वीर जी मेरे सिर ते वी परना बन्ह दिओ हिंदू परिवार की लड़की ने 5 दिन साढ़े वीर को सिर से परना बनाया तो मां नाल अपने सिर के उत्ते परना बन के कर गए जाने हिंदू परिवार की लड़की डॉक्टर उन्हें यह महसूस हो रहा मेरे भरा वा एक किरदार कढ़िया जा रहा पता लग रहा भी भाई जो सूँ पेश किया वास्तव दसी नहीं है नौजवान वीर असी बड़ा जागते 15 दिन असी सबूत देता इतने कोई जे कि एडा एडा वड्डा कट किसी होर स्टेट में किसी होर लोगों वालों होता तो बड़ा कुछ हो रहा दुकाना अग लगनी सी भन तोड़ होनी सी कोई चीज में कुछ नहीं किया गया जे साडे किसी वीर ने किसी माड़ा मोड़ धक्की धक्का मुक्की किया भी आडे वीर समझाया भी आप इतने बिल्कुल भी किसी पर हाथ नहीं चकना असी लड़न नहीं आए असी शांति इतने अपना पक्ष रखने वास्ते आए हाँ इस अंदोलन जो पीकते गया सिरे ते गया तो अपन गलतियां करके कि अंदोलन फेल ना हो जाए तो सारे का धन्यवाद बड़ी खुशी हुई है जिम्मे वीर दस रहे थे कि सारे वीर असी सरहरी नगर तो चल के इतने आए थे कोशिश करो वारियां बन लो कि कुछ जाने चल जाए कुछ रहन इदा क्योंकि ये इतिहास बनना है आप मेले भी तो जाते रहने उसे चले गए देखो इतने सब कुछ है सानू थोड़ा जहां मुश्किल भी सामना करना पड़ेगा पर आप डट के मुकाबला करना सोचिए उन्हें यो कि दोनों चौं दिन चाहना जो असी डराए थे गुरदासपुर के एरिए कुछ ट्रालियां साढ़े लागू की लंघिया तो मैं पूछा जी तुम कि प्रबंध किया कहते असी अपने वालों 6 महीने का प्रबंध करके चलिया 2 क्विंटल छोले नाल मरूंडा नाल असी आटा भट्ठिया हर एक चीज नाल लैके आए हैं ये प्रबंध करके अपने वालों पिंडा वाले सारे आए थे कि भाई असी इतने हम लगातार रहना जो तक साडिया मंगा नहीं मंगिया जाए आप कोशिश करनी आप काले नहीं पैना कई सोचते जब मेला जाए कि जो 2 दिन आए तो पिकनिक मनाई तो बंदा कहता चलो जी आप चलिए नहीं जे धरना तेनू धरना ही आप रहन देना जापते जेडे घर च बैठे आना जाके सुनेहा देिए भाई ये हूँ सान का समा नहीं है जागण का समा जागीए भावें वारियां बनीए समय समय के नाल आप इस अंदोलन च अपना
हिस्सा पाइए नहीं, आने वाले समय चो उन्हों का ना लिखा जाना जरा रजाई च बैठ के कला मूंगफली चबी गया। जो पुछना भी ये जमीना ते को खुश रही सी, तू की कर रहा सी, जो की कहेगा मैं उदो गचक से मूंगफली खा रहा सी। जे मान लो कुछ भी ना होगा साडा ना तो अग बुझाने वाले जाएगा ना, जिन्हें तुम आए थे तो कोई पुछेगा तू किसे सी, उदो तुम कहो गे भाई मैं उत्थे गया जरूर। अपना ना अग बुझाने वाले च लिखाइए ना कि अग लाने वाले। थोड़ा सारे का धन्यवाद आ, बड़े जाबते च रह के नौजवान वीरों जिन्ना समा सानू मिलता सेवा करिए, लंगर पानी वरताइए, जिन्नी भी साढ़े को समा मिलता को पढ़ो लिखो इतने बैठ के। एहोजे भी एक बुजुर्ग आया कहता मेरी तिने पीढ़ियां आई, मेरा कौन कौन जो मैं भी आया, मेरा बेटा भी आया, मेरा पोतरा भी आया, ये जनून आ ना। तो कई जाने कहा ना ना उठो नहीं जाएंगे, उसे पता नहीं कख नहीं होना, तगड़े होने की लड़ आपको लड़न तो आए नहीं, आप इतने कोई लड़ नहीं आए, आप इतने कोई धक्का मुक्की नहीं कर रहे, असं बिल्कुल शांति अपना पक्ष रखने वास्ते आए हैं। गुरु कृपा करे सारे का धन्यवाद, तुसी बड़े प्यार ना बैठ के विचार सुनिया, असं कोशिश करांगे कि जे अगे भी तुसी इत्थे कल भी हैगे जे तुसी मीटिंग कर लिया जो होए तो कल भी तुहाडे कोल कोई बुलारा आऊगा, क्योंकि वेखो ये बड़े शांति दे नाल बैठ के आपां, क्योंकि कई दिन सवाल करते सी किन्ने दिन चलूगा, ये ना तुहानू पता ते ना मैनू पता, ये आपां सारे आए हाँ। ये जिहड़ियां अगे जथेबंदियां लगियां गुरु कृपा करे उन्हां दे प्यार पाक रहे, जापते च रह के कोई साढ़े सार्थक सिद्धे निकलाउण, सब कुछ होगा अपने मन मिटा जोड़े आजाब जाके नबेड़ लेने इसे आप सारे कट्ठे हाँ। जी कहानी नहीं आती कि एक बुजुर्ग के चार पुत सी, खरसा लगन लग पाया भी चार मेरे मन तो बाद कितने कले कले हो गए, तो मेरा जायदाद बनी खिलर जानी आ। उन्हें चाहन लगे कि सोटी देती सुनी आप सारे ने निके होंगे, तो उन्हें निकाया कले कले सोटी देती कले कले तोड़ लियाए, तो जदों उन्हें उन्हें समझाना सी उन्हें कले कले चार चार सोटियां देतियां, आंदा पुत तोड़ के लियाओ किसे को ना टुटी, आंदा पुत तोड़ के नहीं लियाए, कहिंदा बापू कले कले तोड़नी सौखी सी ते चार तोड़नियां नहीं टुटियां। इहदा मतलब सी इकट्ठ विच बड़ी वड्डी पावर वा, जे असीं इकट्ठे रहांगे अगले कंबणगे अगले थड़कणगे भी नहीं, इहदे च पावर आ भाई इकट्ठे आ, इहदे च डॉक्टर भी आ गए, इहदे च एडवोकेट भी आ गए, इहदे च ट्रक यूनियन वाले भी आ गए, इहदे च हर वर्ग बंदा नाल आ गया, इत किसान भाईचारा मजदूर भाईचारा इत हर स्टेट का बंदा वा, अगले कंबड़ गए जो उन्होंने वेख्या भी पढ़ो राज करो, ये तो कट्ठे नहीं है। इस करके आप बड़े जागते च रहना, बड़े संजम तो काम लैन की जरूरत है सानू, असी किसी ने भी कला कला बंदा कले कले बंदे के सिर पर यह अंदोलन आ, एक भी बंदा जो माड़ा जहा गलती करता तो सिर के उत्ते ही यह अंदोलन भंग होएगा, याद रखना यह चेता रखना, असी कले कले जिम्मेवार बन के इस मूवमेंट के अपना हिस्सा जोड़ा वा वह पाना वा। बड़े जाबते च रह के सारे का धन्यवाद, इस अंदोलन च हर वर्ग बंदा आया, रागी भी आए, प्रचारक भी आए, ढाडी भी आए, कमिश्न भी आए, तो मैं परसों बेनती की सी देखो जे आए उन्होंने धन्यवाद, जो नहीं आए जिते बैठे अपना उत्थे योगदान पाई जाओ, लिख के बोल के बड़े तरीके स्टेटस ही पा दो, बोल के वीडियो बना के पा दो, विदेशों बैठे जिते बैठे अपना जोग, कई विदेशों बैठे भरा साढ़े नहीं आए पर उन्होंने उत्थे भी बैठे योगदान पाया, कई फिल्मों के हीरो हीरो ने ऐसे भी है उन्होंने अंदोलन के लिए नहीं आए पर उन्होंने ट्वीट करके अपना योगदान पाता कि इस किसानों धक्का होए, ये जी लिखे हुए अक्षर भी साढ़े हाथ में भुगत जाते हैं। तो गुरु कृपा करे ये जड़ा इतों तक आ जाना वा, ये सेहरा साढ़े गुरु नूं जांदा, करतारपुर साहब जी पैदा की हुई वो किसानी वो बेस वो मुढ़ जिहड़ा धन गुरु नानक साहब ने बढ़ा सी, ते बाबा बंदा सिंह बहादुर वर्गे योधे ने सानू जमीना के मालिक बनाया। आओ जाबते च रह के असी सबर दे नाल जबर का मुकाबला करना, आ चेता रखना भी है सबर दे नाल असीं लड़ने आए, कई वारी इहनू इदां पेश कीता जांदा असीं तैनू इदां कर देंगे, आपां लड़न बिल्कुल नहीं आए असीं, क्योंकि जे लड़ना है फिर आप काम करने की लड़ नहीं, जी मैं दोबारा फिर बेनती करना भी उसे आप लड़न नहीं आए, मीडिया चाहता वा कि असी तुहाडे मूँह चो लफ्ज कढ़ाईए ते असी तुहानू अपनी गोली का शिकार बनाईए, तो फिर जो तुहानू असी मारांगे ना फिर कोई ये नहीं कह सकेगा इन्हां नाल धक्का होया, कहांगे इह ते आए साडे नाल लड़न सी, जो असीं कहांगे असीं ते लड़न आए नहीं, असीं बच्चे लैके आए हाँ, इतने यहोज बच्चे भी आए जे अपने स्कूल का काम भी ट्रालिया बह के कर रहे, देखे ना आप एहोजियां धियां भी नाल आईया जिहड़ियां अपने दादे नाल आईया स्कूल का काम कर रही पढ़ रही वा, तो जो असीं बच्चे नाल लैके आए तो असीं कोई लड़ नहीं आए, असी शांति दे नाल अपने हक तुहाडे को मंगण वास्ते आए हैं कि भाई जिहड़े धक्के तुसीं साडियां करदे ते
ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾਣ ਪਈ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਧੱਕਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਵੀ ਜੁਰਤ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਠੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਇਸ ਮਾਣ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸੰਜਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤੀਏ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਫੁੱਲੇ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਈਏ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਮਾਲਕ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜੀਏ ਤੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਆ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਦਾ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਵਿਚਾਰੋ, ਸਮਝੋ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਸਿੱਟਾ ਸਾਰਥਕ ਕਰ ਲਾ। ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਬਣੇ ਲੰਗਰਾਂ 'ਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰੋ, ਜਿੰਨਾ ਐਵੇਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਘੁੰਮਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਥੋਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਕੁਝ ਟਰਾਲੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲਾ ਕੇ ਲਿਆਏ, ਲਿਟਰੇਚਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਦੀਆਂ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੀ ਉਹ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਸੀ ਦਿਨੇ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸੀ ਵੀ ਆਹ ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਰਹੀ ਆ, ਅਤੇ ਅਰਦਾਸ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਗਿਆਨਵਾਨ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਹਾਰਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਹੋਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਲਾ ਹਲ ਵਾਹੁਣ ਤੱਕ ਸੀ, ਅੱਜ ਟੇਬਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅੱਜ ਵਿਚਾਰ ਗੋਸ਼ਟੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ IPS IAS ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਡਾਕਟਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਧੀ ਨੇ, ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਹ ਚੇਤਾ ਰੱਖੀਏ ਜਿਵੇਂ ਜਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਚੈਂਬਰਾਂ 'ਚ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਹਿਟਲਰ ਨੇ ਸਾੜਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮਾਤ ਪਾ ਤੀ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਹੂਦੀ ਲੋਕ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਚੇਤਾ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਖਾਧੀ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਚੇਤਾ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਤੋਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਧੱਕੇ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸਾਨੀ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਣੇ ਪੈਣੇ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਤਮਹਾਰੇ ਹੋ ਕੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਪੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਮਾਣ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਬੰਨੇ ਤੁਰੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਣ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਣੀਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਚਿਹਰਾ ਸਾਡਾ ਅਕਸ਼ ਅੱਜ ਸਾਫ਼ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੀਏ। ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੰਗਰਾਂ 'ਚ ਭੈਣਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਲ ਆਏ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ 26 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰਾ ਜਾਗਦਾ ਵਿਖਾਇਆ ਤੇ ਜਾਗਤੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਫਤਿਹ ਬਲਾਓ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਵੀਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢੁੰਡਾਰੀ ਨੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਬੜੀ ਸੰਜਮ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੁਣੂ ਆਈ